सीएम नीतीश ने राज्यपाल से पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के एक्सटेंशन की मांग की थी, लेकिन अब इसी मांग पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। राज्यपाल ने पटना विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर कहा कि नीतीश जी कहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी की वीसी को एक्सटेंशन मिलना चाहिए, जिस पर जवाब देते हुए राज्यपाल ने कहा कि कुलाधिपति को नीचा दिखाएंगे तो हम कभी विचार नहीं करेंगे। अब इस पर बिहार की सियासत भी तेज हो गई है, रिपोर्ट देखिए। बिहार में कौन करेगा कुलपति की नियुक्ति? राजभवन और राज्य सरकार में फिर ठनी, कुलपति के एक्सटेंशन पर सियासी टेंशन। बिहार में कुलपति की नियुक्ति को लेकर नीतीश सरकार और राज्यपाल फिर आमने सामने हैं। राज्यपाल ने पटना विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर कहा कि नीतीश जी कहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के वीसी को एक्सटेंशन मिलना चाहिए, लेकिन कुलाधिपति को नीचा दिखाएंगे तो हम कभी विचार नहीं करेंगे। हालांकि राज्यपाल ने कहा कि मीडिया में टकराव की बात आती है, लेकिन मेरे और मुख्यमंत्री के बीच कोई तनाव नहीं है, बैठकर समाधान निकाला जा सकता है। यदि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति को अगर आप नीचे रखेंगे तो कुलाधिपति इस पर जरूर विचार नहीं कर सकते। कुलाधिपति की जो भी वहां हैसियत है उस पर विचार करने की, पुनर्विचार करने की आवश्यकता है शिक्षा विभाग को। मुझे लगता है इस दोनों बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। कोई चिंता का विषय नहीं है या समन्वय का विषय है, संघर्ष का विषय नहीं है। हाँ, अखबारों में आता है टकराव है, तनाव है, ये सब। मेरे और मुख्यमंत्री के बीच कोई तनाव नहीं है, कोई तनाव। राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव की खबर आती है, बिहार का सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने राज्यपाल को कई जगहों पर नीचा दिखाने की कोशिश की। विश्वविद्यालय माननीय कुलाधिपति महोदय का विशेषाधिकार होता है, पर पिछले कुछ दिनों में बिहार की सरकार ने बहुत सारे मुद्दों को लेकर के, कभी ऑडिट के नाम पे, कभी औचक निरीक्षण के नाम पे, इन मुद्दों को लेकर के न सिर्फ माननीय महामहिम से राड़ ठाना, अपितु बहुत सारे जगहों पे उन्हें नीचा दिखाने की भी कोशिश की। इधर कांग्रेस का कहना है कि मीडिया और अखबारों में राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव की खबरें आती रहती हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। राज्यपाल महोदय ने ही कहा कि मीडिया और अखबारों में राज्य सरकार और राजभवन की टकराहट आती है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय में किसी प्रकार का कोई टकराव, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। इधर आरजेडी ने भी राजभवन से टकराव की बात से इनकार किया है। कॉलेज तथा यूनिवर्सिटीज में बेहतर शिक्षा और शिक्षा के स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए, इसमें राज्य सरकार और महामहिम दोनों ने मिलकर के कार्य को आगे बढ़ाने पर सहमति दी है। अब इस मसले पर जेडीयू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जेडीयू ने कहा कि राज्यपाल से सीएम की हमेशा बातचीत होती रहती है, लेकिन उच्चतर शिक्षा में बहुत सी चुनौतियां हैं। राज्यपाल ने यह भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारा लगातार संबंध कायम रहता है, संवाद होते रहता है, और बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम है, यह भी तयशुदा है कि राज्य में उच्चतर शिक्षा में बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसका सम्यक समाधान अब तक नहीं हो पा रहा है। कुलपति की नियुक्ति के सवाल पर राज्यपाल ने सीधा जवाब दिया है, हालांकि राज्य सरकार के साथ मनमुटाव से इनकार भी किया है। लेकिन सियासत को एक मुद्दा जरूर मिल गया है जिस पर विपक्ष हमलावर है, लेकिन सत्ता पक्ष की दलील अलग है। पटना से शिवम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है।